जब आग लगेगी तो आपको मोबाइल फोन पर कॉल आएगा, ठीक है। बहुत ही कमाल का ये प्रैक्टिकल होने वाला है आज का। यहाँ पर मैंने एक आईडिया सिस्टम इंस्टॉल किया है, ये डायलर है, इसको हमने पैनल के साथ में कनेक्ट किया है। जब आग लगेगी तो आपको क्या मिलेगा, कॉल मिलेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक इंफॉर्मेशन पहुंचना जरूरी होता है, जब इंफॉर्मेशन पहुंचती है तब हम लोग कोई एक्शन ले सकते हैं। देखिए हमारा ये जो पैनल है वो फायर मोड में ऑलरेडी सेट किया जा चुका है, एंड दिस सिस्टम इज ऑन द आर्म कंडीशन, और अब मैं इसको धुआं दे रहा हूँ। जैसे ही पैनल फायर मोड में जाएगा तुरंत कॉल आएगा, ये मोबाइल फोन यहाँ पे रखा हुआ है, इस पर कॉल रिसीव होते हुए आपको दिखेगा। चलिए स्मोक दे रहे हैं हम, ये देखिए, और ये पैनल एक्टिवेट हो चुका है। मोबाइल फोन की तरफ ध्यान दीजिए, ये देखिए एसएमएस इसमें ऑलरेडी आ चुका है, अब कॉल भी आ जाएगा। ये देखिए ये कॉल आ चुका है, जो भी नंबर इसमें फीड किया था उस नंबर पे कॉल आ जाएगा। तो आपने देखा इस वीडियो में किस तरीके से हमें हमें फायर होने पर कॉल मिल रहा है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मशीन है, काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी यहाँ पर आप सीखते हैं जीएलएम इंस्टीट्यूट में। चलिए इसको मैं साइलेंस कर देता हूँ और थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। मेक इट द साइलेंस फर्स्ट, कीप इट दिस नॉर्मल इन साइलेंस कंडीशन एंड क्लिक द पासवर्ड। ये नॉर्मल कंडीशन में सेट हो गया, अब इसको भी हम नॉर्मल कर देते हैं। और ये कॉल और एसएमएस हमें दोनों मिला है, कॉल और एसएमएस हमें दोनों मिला है। राहुल अनलॉक कीजिए इसे। कॉल और एसएमएस दोनों मिलने से ये फायदा हुआ कि हमें एग्जैक्ट नोटिफिकेशन मिला कि हाँ वाकई में वहां पर आग लगी थी। इसके एसएमएस सेटिंग में जाते देखते, ये देखिए पैनिक अलार्म जोन नंबर 200, ये देखिए। तो हमें इसमें क्लियरली पता चला कि किस तरीके से कॉल आती है और एसएमएस आता है। तो इस डिवाइस का जो यूज़ था वो आपने जाना कि कॉलिंग के लिए इसका बेसिकली यूज़ करेंगे। काफ़ी सारे बैंक्स वगैरह में आप जाएंगे, बड़े बड़े बैंक्स में, तो ये सिस्टम वहाँ पे लगा हुआ रहता है। आग लगने पर आपको कॉल मिले, तो आप मुझे बताइए कि कितना इम्पोर्टेंट है ये मशीन, कॉलिंग पैड। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, और ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। यहाँ पर जीएलएम इंस्टीट्यूट में अब तक आपने क्या क्या सीखा राहुल, फायर अलार्म सिस्टम में? फायर अलार्म सिस्टम में अभी वायरिंग कैसे करते हैं, वायरिंग कैसे करते हैं, और बताते और जाइए। पैनल में ऑपरेटिंग कैसा होता है, और उसमें नया जो ये सिस्टम का जो मशीन आया हुआ है वो उसमें कैसे इंस्टॉल करते हैं और किस प्रकार से उसको ऑपरेट करते हैं, ये अभी तक हमने सीखा। वेरी गुड। इस मशीन का नाम क्या है? डायलर। सिक्योरिटी डायरेक्टली मशीन का नाम है। वेरी गुड। और इसको इंस्टॉल करने के लिए हमने क्या क्या कनेक्शंस किए, कनेक्शन किस प्रकार से किए? कनेक्शन इसका एकदम सिंपल है, इसने हमने इसका जो जोन वन है वो उसको एनओ और एसी में इसको लिंक किया हुआ है। ओके, जोन वन से हमने ये पूरा केबलिंग किया है, और यहाँ पर हमें इस तरीके के इंस्टॉलेशन का फायदा ये हुआ कि कॉलिंग मिली है, ठीक है। अब इसको मैं नॉर्मल कंडीशन में सेट कर देता हूँ, और अब हम एमसीपी के थ्रू देखेंगे सेम इसी चीज को, एमसीपी के थ्रू देखते हैं। इसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ, गो टू मेन्यू एंड मेक इट नॉर्मल कंडीशन। अब हम देखेंगे किस तरीके से एमसीपी को कॉल करने के बाद में भी आपको मोबाइल फोन पर कॉल आएगा। तो ये एमसीपी हिट किया गया, एमसीपी हिट करने के बाद ये पूरा पैनल चालू हुआ, और अब देखिए कि मोबाइल फोन पर कॉल भी आ जाएगा। ये मोबाइल फोन यहाँ पर रखा है, इस पर कॉल आ जाएगा। ये देखिए ये कॉल आ चुका है, ये कॉल आ चुका है, ये देखिए ये कॉल आ चुका है, ये कॉल आ चुका है। अब एमसीपी को नॉर्मल किया जाएगा, एमसीपी को नॉर्मल कर दीजिए। अब पैनल साइड से भी इसको नॉर्मल कर दीजिए। कॉल आने के बाद क्या हम बात भी कर सकते हैं? जी हाँ, वो भी पॉसिबल है। तो कम्युनिकेशन कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। फोन दीजिए अनलॉक करके। ये कॉल को सबसे पहले रिसीव कर लेना है। कॉल को रिसीव करने के बाद में
आप बात कर सकते हैं, कॉल रिसीव करना कंपलसरी रहेगा। कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया है इसलिए। ओके, ये वापस से हमें कॉल रिसीव हुआ और हम इसको अब पिक किए, कॉल को पिक करने के बाद में देखिए किस तरीके से बात होगी। कॉल को पिक करने के बाद में हम इसके थ्रू कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। ये देखिए, हेलो चेक 1 2 3, हेलो 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 हेलो, इस तरफ आइए राहुल। उस तरफ जाओ, गो दिस साइड। अब मैं इस तरफ से बोल रहा हूँ, क्या आपको आवाज़ सुनाई दे रही है मेरी? हाँ, आवाज़ सुनाई दे रही है। क्लियर आवाज़ आ रही है? जी, क्लियर आवाज़ आ रही है। आप उस तरफ से बोले। हेलो हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है। तो इसमें कॉल रिसीव होने के बाद में आप जो पैनल के साथ साइड में, पैनल के पास में जो ये सिस्टम लगा हुआ है, इससे टू वे टॉक भी आप कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिस्टम है एंड टेक्नोलॉजी है। तो अब मैं इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ और इसको मैं नॉर्मल कंडीशन में कर देता हूँ। चलिए, मुझे बताइए कि इस वीडियो में आपने क्या जाना सेकंड पार्ट में? सेकंड पार्ट में सर, मैनुअल कौन से कॉल रिसीव करने के लिए। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में क्या देखे थे आपने कि फायर होने पर कॉल आ रहा है, और सेकंड पार्ट में आपने जाना कि मैनुअली आप मैनुअल कॉल पॉइंट प्रेस करके भी कॉल ले सकते हैं। वेरी गुड, ठीक है। तो अब मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ वापस से और इस वीडियो को यहीं पे हम स्टॉप करते हैं और हमारे कोर्स को हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। अब इसके आगे इस सिस्टम के जितने भी सॉफ्टवेयर्स के फंक्शंस हैं वो सारे आपको बताए जाएंगे।